students of 8th class Upadhyaya book, English book on page number 98. Here a question arises, grammar work mein ek question hai about question tags. We generally use a few question tags like do you, don't you, is it, isn't it, are you, aren't you, have you, haven't you, shall I, shalln't I, shall not I, was it, wasn't it, etc., etc. But we have to remember a few things about these question tags. First of all, I would like to ask you that if a sentence is a positive sentence, if a sentence is a positive sentence, for example, it is hot today. It is hot today. तो positive sentence की जो question tag है वो negative में आती है. Is it hot today? Is it, isn't it? ये negative में आती है. जब positive sentence हो तो negative question tag. He should pause the exam. He should pause the exam. ये positive sentence है. Shouldn't he? पाजस ना. Negative sentence. अगर हम negative sentence का इस्तेमाल करें, अगर negative sentence हो तो उसके बाद जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में आता है. फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट हॉट टुडे. इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आएगा. इज इट, यू हैवंट गॉट अ कार, तुमने कार नहीं खरीदी है अभी तक, लाई है. हैव यू, क्या लाई है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग उसके बाद पॉजिटिव है. तो एक और सेंटेंस अगर लेट एस से शुरू होता है, मिसाल के तौर पर लेट एस गो आउट फॉर अ वॉक, तो ये याद रखना चाहिए इसका जो क्वेश्चन टैग है वो शैल वी में आता है, शैल वी आता है. इसके साथ एक और एग्जांपल है, लेट एस गो आउट टुनाइट, लेट एस गो आउट टुनाइट, शैल वी, शैल वी, तो ये याद रखना है. ये जो सेंटेंस लेट एस से शुरू होता है इसका जो क्वेश्चन टैग है शैल वी स्टार्ट होता है, शैल से स्टार्ट होता है. तो उसके बाद एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, वी हैव टू रिमेंबर इट, इफ अ सेंटेंस इज इम्परेटिव, इफ़ अ सेंटेंस इज इम्परेटिव, इम्परेटिव मीन्स ताकीदी जुमले, ताकीद जिसमें कुछ करने या ना करने का हुक्म दिया गया हो, अमर या नहाए हो. ओपन द डोर, जैसा कि पता चलता है उसमें हमें हुक्म दिया गया है दरवाज़ा खोलने का, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है विल यू, विल यू, याद रखो. डोंट ओपन द डोर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओपन द डोर, विल यू, डोंट ओपन द डोर, विल यू. उसके बाद काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, ये भी इम्परेटिव है, काइंडली हेल्प मी, विल यू. उसके बाद इफ ए क्वेश्चन टैग ऑफ इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन विथ एम, मिसाल के तौर पर आई, जिसमें क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, I am a student. I am आएगा. I am. You, I am. I am a student. तो उसका जो क्वेश्चन टैग है aren't I? Aren't I? मिसाल I am too impatient. I am too impatient. Am I? Aren't I? Aren't I?